पिल्स हो जिसके जरिए वो गर्भ अनचाहे गर्भ को रोकने का प्रयास करते हैं, तो ये या फिर ऑपरेशंस के जरिए भी ऐसा किया जाता है। ऑपरेशंस के जरिए पुरुषों का भी की भी नसबंदी की जाती है, लेकिन ये ऋषभ RISUG यानी रिवर्सेबल इनहेबिटेशंस ऑफ स्पर्म्स अंडर गाइडेंस, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसके जरिए पुरुष की बच्चा बच्चे पैदा करने की क्षमता को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये पुरुषों के गर्भ निरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, चाहे कॉन्डोम्स हो, चाहे कॉपर्टी हो, या फिर ऑपरेशंस हो, या फिर पिल्स हो, ये तमाम पद्धति महिलाओं द्वारा अपनाई जाती है। लेकिन ये इंजेक्शन एक इंजेक्ट किया जाता है पुरुषों के बॉडी में, इंजेक्ट किया जाता है जिससे उनके फर्टिलिटी कैपेसिटी को रोका जाता है। तो इसका नाम है रिवर्सेबल इनहेबिटेशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस, यानी ऋषभ। ऋषभ क्या है? पुरुषों के लिए तैयार किया गया गर्भ निरोधक इंजेक्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डी लॉक्स जोन शब्द का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? कुछ वर्षों से इस शब्द का न्यूज़पेपर में अक्सर चर्चा रहती है, गोल्डी लॉक्स। दरअसल बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने का एक प्रयास, और इसका नाम दिया गया गोल्डी लॉक्स जोन, यानी गोल्डी लॉक्स जोन। इसका क्या उद्देश्य है कि बाह्य यानी आउटर स्पेस में, बाह्य अंतरिक्ष में बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने का प्रयास, यानी क्या पृथ्वी के अतिरिक्त ऐसा कोई ग्रह है जिसका वातावरण पृथ्वी से मिलता जुलता हो, यानी वहां जीवन संभव है, वो सारी विशेषताएं वहां मौजूद हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होती है, या जो पृथ्वी पर मौजूद, क्या वो व्यवस्थाएं वहां भी मौजूद हैं? ये एक तो उस जोन को नाम दिया गया है गोल्डी लॉक्स जोन, यानी पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज इन आउटर स्पेस, यानी बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों को खोजने का जो प्रयास है उसे गोल्डी लॉक्स जोन का नाम दिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या
देखिए ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा, मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास करता है। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है, और जिसका मुख्य काम है पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों की सुरक्षा करना। और इसकी स्थापना 1961 में की गई, लंदन में की गई थी इसकी स्थापना। नहीं, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार की रक्षा करना। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह संगठन, ये आंदोलन प्रयास करता है। और अभी वर्तमान में 70 लाख से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल से। 70 लाख से अधिक लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट है जो 1961 में शुरू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन किया गया, यानी ये किसके अधीन है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी किसके अंतर्गत ही है? तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या? यानी जीन में परिवर्तन, जीन में बदलाव। और जीन में परिवर्तन करके जीवों के स्वरूप को बदलना, यह जेनेटिक इंजीनियरिंग है। तो इस इंजीनियरिंग के जरिए, इस इंजीनियरिंग से संबंधित विधि निर्माण, उत्पादों के निर्माण, उसके उत्पाद आयात निर्यात से संबंधित निर्णय लेने वाली एक सर्वोच्च संस्था। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण, जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण या जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी के द्वारा ही लिया जाएगा। चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी क्रॉप्स को कमर्शियल लेवल पर लाने की बात हो, या जेनेटिकली मॉडिफाइड किसी एडिबल को यूज करने की अनुमति हो, चाहे जिस प्रकार बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी टोमेटो, क्या ये उत्पाद अगर जेनेटिकली है, अगर कोई मॉडिफाइड क्रॉप्स है, चाहे टमाटर हो, बैगन हो, अगर इसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, आमतौर पर सब्जियों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो मनुष्य के सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी अध्ययन करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। तो ये सारी जिम्मेदारी, क्योंकि और इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन 1986 में
जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी यानी जीईएसी की स्थापना की गई थी। यानी जो भी निर्णय होता है वो इसी कमिटी के सिफारिश पर ही होता है। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करता है और इसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित जलवायु। हरित जलवायु निधि यानी फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड एक फंड है, स्वाभाविक है कि एक कोष है जिसमें धन जमा किया जाता है। यह विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के उद्देश्य से बने और इसका गठन 2010 में किया गया था और इसका मुख्यालय इचियोन यानी दक्षिण कोरिया में है। फंड ने 2020 में तक 100 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल ग्रीन क्लाइमेट फंड इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसके अनुकूल और इसका कम से कम प्रभाव हो, इस सहायता के लिए कम से कम प्रभाव हो वैसी तकनीक का उपयोग ये विकासशील डेवलपिंग कंट्री करें, उसमें उनकी मदद की आवश्यकता है क्योंकि ये आर्थिक रूप से सक्षम देश नहीं होते हैं, कई तरह की समस्याओं का सामना ये करते हैं। इसलिए ऐसे देशों की मदद के लिए इस फंड की स्थापना 2010 में की गई। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विकासशील देशों को तकनीकी रूप से सक्षम होने में मदद करना। कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां वो पेश कर रहे हैं उनके अनुकूलन के लिए, उसको न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए इस फंड की स्थापना की गई है। और इसमें प्रयास किया जा रहा है कि 2020 तक 100 अरब का फंड इकट्ठा करना। और इसका मुख्य उद्देश्य वही जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनका समाधान करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को किसने कहा था कि वह भारत में पहले वर्ष कान को खुला रखे और मुंह को बंद कर अपना समय व्यतीत करें? उन्होंने कहा था कि भाई पहले साल आप अपने कान खुले रखिए लेकिन मुंह बंद रखिए।
ये सलाह उनको किसने दिया था? तो ये सलाह गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने ये कहा था कि भाई आप, उन्हीं की सलाह पर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण भी किया था कि आप कान खुले रखिए लेकिन मुंह को बंद रखिए, और उसके बाद भारत को समझने का प्रयास कीजिए। आप संपूर्ण भारत का भ्रमण कीजिए, भारत को करीब से देखिए, भारत की समस्याओं के समझने का प्रयास कीजिए, लोगों की मनोदशा को समझने का प्रयास कीजिए, और उन्होंने वैसा ही किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने यही सलाह दी थी महात्मा गांधी को जब दक्षिण अफ्रीका से वो भारत आए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये बड़ा लोकप्रिय और बहुत सशक्त आंदोलन है। कैलाश सत्यार्थी, ये बहुत नोन फेस है, बहुत पॉपुलर फेस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर उन्होंने बचपन बचाओ बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की। और उनका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य मुख्य तौर पर बाल श्रम, बाल श्रम को जड़ से समाप्त करना। बाल श्रम को जड़ से समाप्त करना। आपको पता है कि 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति का। मलाला यूसुफजई के साथ मिला था, ये ज्वाइंटली इनको ये पुरस्कार मिला था। मलाला यूसुफजई के साथ इनको ये पुरस्कार मिला था 2014 में। 1980 में इस आंदोलन की उन्होंने स्थापना की थी, और अब तक 90,000 बच्चों को, 90,000, ये बहुत बड़ी संख्या है 90,000 की, 90,000 बच्चों को बाल श्रम, दास्ता, गुलामी और तस्करी से मुक्त कराया गया था। बच्चों का किस प्रकार शोषण होता है? बाल मजदूरी, यौन शोषण, गुलामी, बच्चों की तस्करी, ये कई समस्या हैं बच्चों के लिए, और दुनिया भर में करोड़ों बच्चे इससे ग्रस्त हैं। चाहे बाल मजदूरी हो, चाहे सेक्सुअल एक्सप्लाइटेशन हो, चाहे स्लेवरी हो, चाहे स्मगलिंग हो, इससे बच्चों को बाहर निकालने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने इस मुहिम को शुरू किया था, बचपन बचाओ आंदोलन। और अब तक 90,000 बच्चों को बाल श्रम, दास्ता
और तस्करी से उन्होंने मुक्त कराया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवरे सुहेली, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक का फारसी अनुवाद है, यानी अनवरे सुहेली, अनवरे सुहेली किस पुस्तक का फारसी अनुवाद, किस पुस्तक का फारसी अनुवाद? तो ये पंचतंत्र बहुत मशहूर कहानी है, मैं कहानियों का संग्रह है, जिसमें प्रेरक कहानियां, उपदेशात्मक कहानियां जानवरों के माध्यम से, जानवरों के, यानी इन कहानियों में कैरेक्टर कौन है? जानवर। जानवरों के माध्यम से एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी और इसका रचना काल 2000 बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा से लेकर 300 कॉमन एरा के बीच का है। पंचतंत्र का अर्थ क्या होता है? पांच निबंध, पांच तंत्र में मित्र लाभ, सुहृदय भेद, काको लुकीय, लब्ध प्रणास और अपरीक्षित, ये चार पांच निबंधों में ये पंचतंत्र बटा हुआ है। तो जब इसका फारसी के रूप में अनुवाद किया गया, जब इसका फारसी के रूप में अनुवाद किया गया तब इसके नाम दिया गया अनवरे सुहेली। और इसकी रचना किसने की थी? तो पंडित विष्णु शर्मा ने इसकी रचना की थी। और ये पुस्तक पांच हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें मित्र लाभ, सुहृदय भेद, काको लुकीय, लब्ध प्रणास और अपरीक्षित, ये पंचतंत्र पांच भागों में बटी हुई एक पुस्तक है। और किसी भी पुस्तक के सबसे अधिक भाषाओं में अगर अनुवाद हुआ है तो वो पंचतंत्र ही है, यानी दुनिया के लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। बहुत उपदेशात्मक, बहुत बेहतरीन कहानियों से ये पुस्तक भरा हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ एक बात और इस प्रश्न से संबंधित है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने किया था, इसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की और अपना एक भव्य दरबार लगाया, वो कौन था? यानी पूरे ब्रिटिश शासन काल के दौरान एक ही राजा भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने भारत में एक बड़ा दरबार का आयोजन किया, वहां से कुछ घोषणाएं भी हुई उस दरबार से, यानी पूरे ब्रिटिश शासन काल के दौरान सिर्फ एक राजा आए और वो थे जॉर्ज पंचम, वो थे जॉर्ज पंचम। यानी जॉर्ज फाइव ये इंग्लैंड के राजा थे, 1911 में ये भारत की यात्रा पर आए थे, 1911 में ये भारत की यात्रा पर आए थे दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था इनके सम्मान में, दिल्ली में दरबार,
दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था। एक भव्य आयोजन का यहीं पर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई जाएगी इसकी घोषणा की गई। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था जो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन किया गया था वो 1911 के दिल्ली दरबार में ही उस विभाजन को रद्द किया गया। और उसी विभाग में और उसी दरबार में यह भी निर्णय लिया गया कि भारत की राजधानी कलकत्ता के बजाय दिल्ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केप विथ रिफ्यूजी, ये क्या है? एस्केप विथ रिफ्यूजी, तो एस्केप विथ रिफ्यूजी एक कार्यक्रम है वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा शुरू किया गया और इस अभियान में शरणार्थियों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, यानी ये जागरूकता पैदा करने का ये कार्यक्रम है जिसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को 12 महीनों में 2 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने की चुनौती दी गई। यानी वो इस यात्रा के दौरान शरणार्थियों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझें, समस्याओं को जानें और इसके साथ साथ इस अभियान का एक उद्देश्य शरणार्थियों के प्रति, रिफ्यूजीज के प्रति एक जागरूकता भी पैदा करना है। और ये इसकी शुरुआत 2020 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त द्वारा शुरू की। अब हम अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG क्या है? दरअसल विश्व को विकसित करने का एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई और ये लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले 15 वर्षों में सदस्य देशों के द्वारा 17 विकास लक्ष्य तथा 169 प्रयोजन को स्वीकार किया गया। यानी इस गोल में, इस लक्ष्य में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य में 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए, यानी 17 क्षेत्रों में कार्य करने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया और यह लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक इस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। देखिए, पर्यावरण एवं विकास पर 1983 के वर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें सतत विकास की परिभाषा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो उन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। यानी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं, उनकी जरूरतों से समझौता किए बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का जो प्रयास करते हैं वही सतत विकास है, यानी सतत डेवलपमेंट है। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संसाधन छोड़ा, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन छोड़ा, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा वातावरण और इतना संसाधन छोड़ के जाएं
ताकि उन्हें जीने के लिए संघर्ष ना करना पड़े। यानी विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए, विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है और आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करना, आने वाली आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। अब इसके लिए जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए उसमें गरीबी को पूरी तरह खत्म करना, गरीबी को पूरी तरह खत्म करना, भुखमरी को पूरी तरह खत्म करना, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानता में कमी, टिकाऊ शहर एवं समुदाय, जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन, जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियां, जल संसाधन का संरक्षण एवं बेहतर उपयोग, स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों का संरक्षण और सतत उपयोग, शांति, न्याय एवं मजबूत संस्थान, और अंतिम जो लक्ष्य है कि लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। ये सत्रह लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए तैयार किए गए, और इसे कब तक पूरा करना है, 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करना, और इसमें 17 विकास लक्ष्य डेवलपमेंट गोल और 169 प्रयोजन इसमें स्वीकार किए गए। ये आज के वर्कशॉप का अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बावजूद अगर कोई प्रश्न, कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं।